नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि शास्त्र विज्ञान 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कृषि भाग दो के लिए था। इसमें जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक हेक्टेयर सेमी पानी का आयतन बराबर है, जिसमें जो पानी पूछा गया था कि यदि एक हेक्टेयर एरिया में जो एक सेमी का पानी हो तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी या आयतन के बराबर होगा, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1,00,000 लीटर। अगला था, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिससे कि इसका राइट आंसर जो है वो वाराणसी है। इसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अगला जो था, पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है, बहुत ही फेमस वैरायटी है, ये किसकी है, पपीते की है। अगला क्वेश्चन था, अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है, जो अम्लीय भूमि होती है उसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, उदासीन होती जो भूमि उसका 7 होता है, 7 से ज़्यादा अगर है तो वो क्षारीय भूमि होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है, आग। निश्चित उत्तरी प्रश्नों में जो पूछा गया था, पहला प्रश्न था, विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए, इसमें यदि आप आंवला है, अमरूद है या फिर जो है नींबू है, नींबू, बारबड़ा चेरी जो है उसमें जो है सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है, उसके बाद आंवला में पाई जाती है, उसके बाद अमरूद में पाई जाती है और उसके बाद नींबू में पाई जाती है। तो इनमें वैसे अगर किसी का भी आप नाम लिख दिए हैं तब भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी तो सब में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, लीची किस कुल का पौधा है, जो लीची है, लीची चाइनेंसिस जो है वो सेपिंडेसी फैमिली का है, सेपिंडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सिंचाई की थाला विधि का संबंध किस प्रकार की सिंचाई से है, देखो सिंचाई तो कई प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर थाला विधि उनमें से किसके अंतर्गत आती है उसके बारे में पूछा है यहाँ पर। तो इसमें जो है एक होती है सरफेस इरीगेशन जिसे बोलते हैं सतही सिंचाई, एक होती है सब सरफेस जो ज़मीन के अंदर से की जाती है, हैं तो अधो सरफेस कह सकते से हैं, और है बौछारी है जिसे कि स्प्रिंकलर कहते हैं, ड्रिप है, टपक सिंचाई है, तो ये सब तो है, लेकिन जो थाला विधि है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो सरफेस या सतही सिंचाई के अंतर्गत आएगी, सतही सिंचाई। जिस किसी ने भी से जो है सतही सिंचाई अगर लिख के आया तो उसका सही हो जाएगा। अगला था, लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र है, जो लाइम स्टोन होता है उसका जो राइट आंसर था वो लिख सकते थे कैल्शियम कार्बोनेट। अगला था कि भूकंप मापी यंत्र का नाम लिखिए, जो भूकंप मापी यंत्र है वो कौन सा है, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल जो है वो इसका यंत्र का नाम है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे गए थे, जैसे कि जल निकास के दो लाभ लिखिए, जल निकास के दो लाभ लिख रहे थे, लिख सकते थे जड़ों का विकास अच्छा होता है अगर पानी उसमें नहीं रहेगा, पानी जब भूमि पानी अधिक मात्रा में रुकेगा तो वहाँ पर जो है रोगों का, कीड़ों का जो है प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ों को उसका प्रकोप नहीं बढ़ेगा, ऐसे करके लिख सकते थे लाभ में। तो अगला था कि टमाटर के बीज शोधन है तो एक रसायन का नाम लिखिए, इसमें तुम पहले तो सबसे पहले तो यह लिखना था कि किसी भी फंजीसाइड का यूज करते हैं, है? जीवा फंजीसाइड का, जैसे कि थीरम का करते हैं, थीरम है, बविस्टीन का भी कर किया जाता है, हाँ तो ये सब फंजीसाइड हैं, इनके जो है इसकी मात्रा की बात करें तो लिख सकते थे 1 ग्राम से 5 ग्राम तक जो है
यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर लिख के आए तो सही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन था कि खुले चैनल में प्रवाह मापन की दो विधियाँ के नाम लिखिए। इसकी बात करें इसमें तो एक है विनोच, विनोच ये भी एक विधि है। एक पार्सल फ्ल्यू एक विधि होती है, उसे भी यूज किया जाता है, जो इसमें लिख सकते हैं विनोच है। तो इसमें जो है खुले प्रवाह जो है उसका नापा जाता है। जैसे कि सरकारी ट्यूबवेल, अगर आप लोग गांव से होंगे देखे होंगे कि मान लीजिए कोई सरकारी ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल के आगे जो ऐसे नाली होती है, नाली के आगे यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर होता है वी शेप का, उसी को बोलते हैं विनोच। और तो उसी के आगे जो है वो पानी सीधा फिर नाली के द्वारा जाता है, तो यहाँ पर जो है उसको खुला पानी जो है उन्हें मापा जाता है, तो विनोच इसकी जो है एक विधि है। बहुछारी सिंचाई के दो लाभ लिखिए। देखो बहुछारी सिंचाई के दो लाभ लिखना है इसमें, तो इसके लाभ दो ही लिखना है। तो तुम्हें इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होते वो लिखना चाहिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो दो लाभ उसके। तो सबसे पहले इसमें लिखा हो कि इसमें जो है पानी की बचत तो सबसे अच्छी होती है, इफ़िशेंसी या इसकी कार्य कुशलता जो है वो अधिक होती है, जो है इसकी पानी की बचत अच्छी होती है इसमें। ठीक, और इसमें जो है कम समय में अधिक सिंचाई तुम कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है अगर ये स्प्रिंकलर करते हैं तो स्प्रिंकलर से एक फ़ायदा रहता है, जैसे कि पत्तियाँ जो ऊपर पानी गिरता है, पत्तियों के ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो धुल जाती हैं, ताकि जो उसके ऊपर धूल डस्ट जो है वो सब जो है क्लीन हो जाती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगी तो उसकी जो है उपज जो है वो भी ऑटोमेटिकली वो प्रभावित होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो एक तो ये लिख सकते थे, तो यही सो जो है इसमें लिख सकते थे दो। अगला था गोभी वर्गीय दो फसलों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसमें जैसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, नोल खोल है, गाढ़ गोभी, इनके बारे में लिखना था। जैसे कि ब्रिस्का ओलरेसिया, बोट्राइटिस, फूल गोभी का कैपिटाटा, ब्रिस्का ओलरेसिया कैपिटाटा, पत्ता गोभी का, इसे लिख सकते थे इसमें। अगला पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्न में कि अम्लीय मृदा के बनने के कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। इसके बारे में लिखना था तोड़ सिंचाई मतलब फ्लड इरीगेशन क्या है, उसके हानि लाभ लिखने थे। और ये क्वेश्चन था 14 नंबर की, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाएगा ये। केले का साइंटिफिक नेम लिखना था, इसकी एक प्रजाति लिखना था, जैसे कि केले का मूसा पैराडिसिका, एक वैरायटी राम केला, बरसाई लिख सकते थे, रोबस्टा, ऐसे लिख सकते थे, एक ही वैरायटी लिखनी थी। सेब में मालस डोमेस्टिका, वैरायटी वाशिंगटन डीसी, हाँ तो ऐसे कि वाशिंगटन विंटर बनाना लिख सकते थे। आम की मंजीफेरा इंडिका, हाँ तो इसकी वैरायटी नीलम, रत्ना, अल्फांसो, एक ही वैरायटी लिखनी थी। अमरूद का इसी प्रकार से सीडियम गुजावा वैरायटी, इसके अलावा सफ़ेदा, इलाहाबाद सुर्ख, अरका रश्मि, अरका किरान, ये सब जो है इसकी वैरायटी हैं, इसके लिख सकते थे। विस्तृत में जो है क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत केला पपीते की जो है खेती का तुलनात्मक जो है अध्ययन करना था या वर्णन करना था। इसमें देखो सबसे पहले तीन कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में लिया जाता है कि पपीता, ठीक है, एक में केला, यहाँ पर जो है आगे क्या डालते हैं बीज दर एवं रोपण दूरी। अब यहाँ पर लिख देते हैं बीज दर और रोपण दूरी, यहाँ पर भी बीज दर रोपण दूरी, फिर बा इसमें फिर खाद उर्वरक, यहाँ पर खाद उर्वरक, यहाँ पर खाद उर्वरक, फिर उपज एवं प्रति हेक्टेयर लिख देते हैं, बस एक ही पेज में जो है पूरा समाप्त हो जाता और अच्छे नंबर इसमें मिलते हैं। तो जैसे कि इसे लिख सकते थे। अगला था उस या इसकी जगह पर क्या करना था आपको, फूलगोभी एवं टमाटर की खेती का तुलनात्मक अध्ययन करना था उसी प्रकार से। और ये उसके अंदर ये जो है ये पॉइंटों को दर्शाना था, ऐसे ही टेबल बना के करते तो आसानी से अच्छा भी लगता है इसे और कम समय भी लगता है, आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन था सिंचाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए और किसी एक विधि का नाम लिखिए। इसमें जैसे विधियों जैसे कि बौछारी है, सरफेस है, सब सरफेस है, बौछारी है, स्प्रिंगलर है, ये सब नाम लिख के उसके बारे में किसी के एक बारे में डिटेल में लिखना था। या इसके जगह पर सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए,
फसलों के लिए जल की आवश्यकता है और इसके में बारे में जो है लिखना था। अगला क्वेश्चन था किन्हीं में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से जो पांच दिए हैं इसमें से किसी के एक बारे में लिखना था। जैसे जल की मांग की माप कैसे होती है उसमें लिखते थे, पुष्प विज्ञान का भविष्य क्या है इसमें, बाढ़ उसका नियंत्रण कैसे करोगे, टपक सिंचाई के बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, जड़ वाली फसलें जैसे मूली गाजर और चुकंदर इसके बारे में थोड़ा लिख देते इनके, जैसे कि इसमें लिखना था साइंटिफिक नेम लिख देते उनके और उनके ओरिजिन प्लेस लिख देते और ऐसे करके जो है उसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है क्या क्या पाया जाता है ऐसे करके इसमें डिस्क्राइब कर देते थोड़ा, वो भी आसानी से हो जाता है। तो बस यही इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब ने और यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।